बाबर आजम जैसा कोई नहीं, इनके आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना ली है। सीरीज का दूसरा मैच रोमांचक की हद तक पहुंचा और पाकिस्तान ने एक विकेट से जीत दर्ज कर ली। इस मैच में जब बाबर बैटिंग के लिए आए तो ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी 100वीं पारी थी। बाबर ने अपनी 100वीं पारी को खास बनाते हुए 66 गेंदों पर 53 रनों का योगदान दिया। वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में पहली 100 वनडे इंटरनेशनल पारियों में अगर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डाले तो ऐसे में बाबर आजम जैसा तो कोई नहीं है। बाबर ने 100 पारियों में 58.49 के औसत से कुल 5,089 रन बनाए और इस दौरान उनके बल्ले से 18 शतक और 26 50 निकले। बाबर के बाद दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हाशिम आमला है। वही रहमान गुरबाज की बात की जाए तो उन्होंने एक अहम रोल अदा किया। गुरबाज ने 14 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 151 रन की धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दम पर महान सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ये रिकॉर्ड है 21 साल की उम्र में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों का। अफगानिस्तान के लिए 23 वनडे खेल चुके गुरबाज का ये 50 ओवर फॉर्मेट में 5वां शतक था। 21 साल की उम्र में उन्होंने इसी के साथ सचिन से अधिक शतक जड़ दिए हैं। मास्टर ब्लास्टर ने अपने करियर की शुरुआत तो 16 साल की उम्र में की थी, मगर वो 21 साल तक महज 4 ही शतक जड़ पाए थे। गुरबाज इस शतक के साथ पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी ठोकने वाले पहले अफगानी खिलाड़ी बने हैं। इसी के साथ उन्होंने धोनी का भी एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। गुरबाज से पहले धोनी के नाम पाकिस्तान के खिलाफ बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड था। गुरबाज ने 23 पारियों में 5 शतक ठोक बाबर आजम का रिकॉर्ड भी चकनाचूर किया है। पाकिस्तान के कप्तान ने अपने वनडे करियर के पहले 5 शतक जड़ने के लिए 25 पारियां खेली थी, मगर उनसे 2 पारियां कम लेकर गुरबाज बाबर से आगे निकल गए हैं। क्रिकेट की टॉप खबर हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।